आज राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी चुनावी ऐलान के बीच तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए एक जबरदस्त तैयारी की है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है, अपने आप में इतना बड़ा चुनाव है कि इस चुनाव में पूरे तरीके से हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। निर्वाचन आयोग ने इस दौरान कोरोना से निपटने के लिए भी तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया है। हम इस वक्त मेरठ में मौजूद हैं और मेरठ से हम आपको बताएंगे कि कैसे 5 साल में मेरठ की सूरत बदलती चली गई। ये बोर्ड निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है ताकि मतदाताओं को यहाँ पर जागरूक किया जा सके। और इधर आप देखेंगे तो इधर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है मतदाताओं के लिए, जागरूक मतदाता किस तरीके से सेल्फी यहाँ पर लें और जागरूकता फैले उनमें, ताकि वो आने वाले वक्त में वोट डालने ज़रूर जाएं। जन जन की यही पुकार, वोट है मेरी ताकत। तो ये संदेश चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर जनता को देने की कोशिश की है। और इसी बीच जो बदलता हुआ मेरठ है उसकी तस्वीर क्या है, वो ये है। यहाँ पर अब मेरठ के लोग एक स्पॉट बन चुका है जहाँ पर लोग सेल्फी लेने के लिए आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, अपने दोस्तों के साथ आते हैं। फिलहाल दिन का वक्त है इसीलिए लाइट नहीं जल रही है, लेकिन रात के वक्त लाइट भी जलेगी और शानदार तरीके का लुक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है। हम विधानसभा वार आपको डेटा दिखा रहे हैं, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि मेरठ पिछले 5 साल में किस तरीके से विकास के नए कीर्तिमान लिख चुका है। विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इस बात की तफ्तीश करने के लिए लगातार हम मैदान में जा रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मेरठ कैंट विधानसभा के कसरू खेड़ा में, जहां पर तमाम ये दुकानदार यहां पर मौजूद हैं और स्थानीय लोग मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे, सवाल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगली बार ये किसकी सरकार बनते हुए इस प्रदेश में देखना चाहते हैं। क्या अखिलेश यादव की साइकिल 2022 में दौड़ेगी या फिर योगी आदित्यनाथ का काम 2022 में दोबारा बीजेपी को सत्ता दिलाएगा, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब इनसे जानेंगे। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, आप बताइए। हाँ जी, सरकार क्या होने वाला है? मोदी की और इसकी योगी की आएगी और किसी के मतलब ही कोई नहीं है। इन्होंने काम इतना अच्छा कर रखा है कि शायद कोई करेगा। अच्छा, कैंट में जिनको टिकट दिया गया है क्या उनको भी जिताया जा रहा है इस बार? उनके बारे में नहीं कह सकता, जो हमारे लिए वो मेन मुद्दा है। देखो सर, जो बात बताए, आप मोदी और योगी को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। मेन मुद्दा वही है कि जो हमारे लिए कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी क्या कर रहे हैं आपके लिए? सब कुछ उन्होंने किया और क्या करेगा, और उससे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ ना, तो मुझे आजकल राशन मिला, ना कोई खाना मिला, ना पीना मिला। मैं दुनिया को खिलाता हूँ, मैं किसी का खाया नहीं आज तक, रिकॉर्ड है मेरा। अच्छा। मैं दुनिया को खिलाता, फिर भी मैं कहूँगा योगी की सरकार। अच्छा, योगी जी, योगी और योगी जी ने कहा कि उन्होंने बदमाशों को जेल में डाला। हाँ, बहुत अच्छा काम करा। ये तो शायद है कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी, जो आज तक कभी लड़कियाँ किसी की उठी थी, कभी लड़के उठ रहे थे, कभी कुछ, इनने सब रोक दिया, इनने बाकी में रोका। ये तो हकीकत है, कोई बुरा नहीं है इसमें। तो इस बार योगी जी और मोदी जी, हाँ इसे ही आना चाहिए और किसी को मतलब ही कोई नहीं है। साइकिल तो बेकार है, वो तो बहन भी तकते ही ला रही दुनिया का, बहन उन्हें मरवा दी सारे हिंदू ही, बहन के उन्हें मुसलमानों को सब कहा कह दिया उन्हें। मैं कह रहा हूँ ये भावनाएं हैं, उन्हें भावनाएं जब कैमरा दिखाई देता है तो गालियां भी निकल जाती हैं और अपनी सारा दर्द भी बाहर आ जाता है। तो आप सुन रहे थे, कैंडिडेट के बारे में नहीं पता, लेकिन मोदी योगी की सरकार आनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा कैलाश गशवाला। कैलाश जी, आप बताइए, इस बार 5 साल बाद आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? एक ही नाम है हमारे पास, योगी मोदी, इसके अलावा वहाँ पर नाम ही नहीं है कोई दूसरा। कैंडिडेट जो अमित अग्रवाल हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है वो भी, पर हम चाहते हैं सरकार आएगी अपनी बीजेपी की, खिलेगा फूल। क्या मोदी जी ने अच्छा काम किया? बहुत बढ़िया काम कर रखा है, हम व्यापारियों के लिए, सबके लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया काम करा, बहुत काम करा है उन्होंने। योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते? बिल्कुल देखना चाहते हैं हम। उत्तराखंड में भी हम बीजेपी लाएंगे दोबारा, और यहाँ भी हम यूपी में भी बीजेपी लाएंगे। तो आप उत्तराखंड से हैं? हाँ जी, मैं उत्तराखंड से हूँ। तो आप देखेंगे, देखिए उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर मैं एक रिपोर्टकार के तौर पर देखना चाहूँ तो आप इस 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार को कितने नंबर देंगे? 100 में से 100 दे देंगे। 100 में से 100, तो आप देख सकते हैं भी नहीं होने के, 100 में से 100 मिलेंगे।
और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही है, हम दोबारा हम चाहते हैं फूल खिले और योगी आदित्यनाथ हमारे रहें। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर लोगों में एक अलग क्रेज है। और एक पहाड़ी भाई कैलाश दसमाना ने बताया कि उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनवाएंगे और यूपी में भी बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। हाँ जी, हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद है जी। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? अनिल चौधरी। चौधरी साहब, किसकी सरकार बनने जा रही है? चौधरी तो वैसे भी इस बार जब आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए थे। नहीं जी, हम तो बीजेपी के साथ खड़े हैं। इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अच्छा, अगर 5 साल की बात की जाए तो कितने नंबर आप देंगे इस सरकार को? पूरे में से पूरे नंबर देंगे, 10 में से 100। अच्छा, अगर कैंट विधानसभा के कैंडिडेट की बात की जाए, अमित जी की अचानक लाया गया, सत्य प्रकाश जी जो थे उन्होंने क्या विकास किया था? हाँ किया था, लेकिन वो उनकी उम्र ज़्यादा आड़े आ रही थी, इस वजह से अमित अग्रवाल बहुत अच्छे बनाए थे, जुझारू आदमी है। तो आप भी इस बार क्या योगी और मोदी के नाम पर ही वोट देने वाले हैं? बिल्कुल, हाँ उसी नाम पर वोट देंगे। तो नरेंद्र मोदी की लहर अभी खत्म नहीं हुई है, योगी आदित्यनाथ की लहर उफान पर है और उसी का नतीजा आप जनता के चेहरे और जुबान से निकलता हुआ देख रहे हैं। कुछ और युवा मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन सोनकर है। अमन, आप बताइए 5 साल बाद किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? पहले तो हमारे घर के पार्षद जी जो चाचा हैं हमारे, विजय सोनकर जी, उनका भतीजा हूँ मैं, और एक हमारे चाचा बीजेपी से नगर आयुक्त हैं राजकुमार सोनकर जी जो है, इसलिए हमारे बीजेपी जो है सारे काम इतने बढ़िया कर रखे योगी जी ने, आज तक कोई सरकार नहीं कर सकती जो योगी जी ने कर दिए हैं। आने वाले भविष्य में हम तो ये चाहेंगे योगी जी आए हमारे दोबारा से, सबका विकास सबका साथ, ये है हमारा। चलिए, तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये बातें आम जनता बता रही है। हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं 5 साल बाद? भाजपा कहने गए, भाजपा। बीजेपी? हाँ जी बीजेपी। क्या किया आपके लिए बीजेपी वालों ने? अरे हमारे तो सब चीज़ें हैं जी, देखो यार राशन कितने 2 साल से राशन ही फ्री मिल रहा है और सब चीज़ हर चीज़ की फैसिलिटी है, और वैसे पैसा हमारा जो जमीन जायदाद है यानी कि उसमें पैसा मिल रहा है, 2000 रुपये जो सरकार ने दिए हैं हमारे हिस्से में आए हैं। ऐसा ऐसा किसी सरकार ने पहले नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा ही पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो अच्छा, एक बात बताइए, अगर 100 में से आपको नंबर देने के लिए कहा जाए योगी आदित्यनाथ सरकार को, आप कितना नंबर देंगे? 95% 99% यानी 95% पूरे, और काम अच्छा का चल रहा है वैसे, और हमारे भाई साहब भी दिनेश खटीक हमारे भरे यानी कि हमारे साले भी लगते हैं। तो आप देखेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद थे और उसके अलावा बहुत सारी आम जनता थी जिसने हमें बताया कि इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ को वो मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाले जाएंगे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इनसे भी बात करते हैं। देखिए जनता है, आप बताइए 5 साल बाद किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी की। मोदी जी दोबारा बनने जा रहे हैं सरकार? तो मोदी जी तो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे विधानसभा का, योगी जी के बनने जा रही होगी। योगी, हाँ। तो मोदी जी और योगी जी लोगों को याद है, बीजेपी का भी नहीं पता, मोदी योगी के नाम पर बीजेपी है और मोदी के नाम पर ही इस बार जनता चुनाव में जाएगी। हम इस इलाके के और लोगों से भी बात करेंगे और दुकानदारों के पास भी जाएंगे, कुछ युवाओं से भी बात करेंगे और इस विधानसभा का पूरा रिपोर्ट कार्ड हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? बाबूजी, 5 साल बाद किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं? भैया जो अच्छी सरकार हो वो बननी चाहिए, सफाई करे, मेन चीज़ सफाई का है, सफाई यहाँ होती नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस इलाके में गंदगी काफ़ी है? काफ़ी है। अच्छा, तो योगी जी से खुश हैं आप 5 साल में? अरे हमें तो जो भी नेता आएगा उसी से खुश हैं भैया, सीधी सी बात एक है। क्यों जी? चलो ठीक, और क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? हरीश मिश्र नाम है मेरा। हरीश जी, 5 साल बाद परिवर्तन का समय आ रहा है, क्या करने जा रहे हैं आप? देश एक प्रगति की ओर बढ़ रहा है, हमारे देश के नेता मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी काम कर रहे हैं देश की उन्नति के लिए, जिसको आप देख ही रहे हैं। मैं मेरठ से हूं और देखिए आप मेरठ में कितना विकास हो रहा है, मेट्रो आ रही हैं और यहां पे सुरक्षा के मामले में भी देखिए मेरठ नंबर 1 होता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और हमारे आदरणीय जो अभी इस बार विधायक के लिए खड़े हुए हैं अमित अग्रवाल जी, हम उन्हें भारी बहुमतों से जिताएंगे और देश में दोबारा मोदी और योगी सरकार को मजबूत बनाएंगे। यही मेरा आप सब भाई लोगों से निवेदन है कि आप भी सरकार में सपोर्ट करें और अपना योगदान दें मोदी घर घर, और अपनी वोट को बेकार ना जाने दें। घर घर मोदी, घर घर योगी,
जय बाबा गोरखनाथ। यही आप सब लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप इस बार सबका साथ सबका विकास में ही विश्वास करें। जय हिंद भाई।